के वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत ने सख्त शराइत के बावजूद आईएमएफ के साथ मुहैदा किया जिसकी सियासी कीमत भी है। आईएमएफ ने कहा कि सहूलत दें, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे, रेवेन्यू का टारगेट ना दें। ये नहीं होगा कि जिसे हमसे कहा गया कि 3000 से टारगेट 5500 तक ले जाएं, बजट में यकीन बनाएंगे कि टैक्स नेट में आने वालों को हरासा ना किया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजीर खजाना ने बताया कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है, ये आपकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि आईएमएफ के प्रोग्राम 90% जो है वो फेल हो जाते हैं, इसलिए कि आईएमएफ जो है एक कुकी कटर अप्रोच है कि भाई पैसे ये लेने आया है, इसका इसका गला दबा दो, और जब गला दबा सांस ही नहीं आएगा तो सारा स्टेबल तो हो ही जाएगा बंदा। खैर, तो वो और उसके बाद ये जो है मोस्टली यू नो फेल हो जाते हैं बिकॉज कंट्रीज कहती हैं हेल्प यू यार, अभी हमने आप हमें सांस तो लेने दो। हमने ये एक डिफिकल्ट एक्ट होगा कि हमने उनको ऑल्टरनेट देने हैं, हमने उनको कहना है ये आपका तरीका है टू स्टेबलाइज, टू टेक आउट डिमांड, हमारा ये तरीका है कि हम वही चीज़ें अकम्पलिश करेंगे और तरीके से, और साथ हमारा ये तरीका है कि हम इसको ग्रो करके करेंगे, आपके रेवेन्यू करेंगे, बिजनेस का पहिया चलेगा, इकॉनमी मतलब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो आपका भी हदफ पूरा हो जाएगा, हमारा भी हदफ पूरा हो जाएगा। मैं इधर इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे झंडा चाहिए, झंडा मैं पहले लगा चुका हूँ, मैं कोशिश तो पूरी करूँगा। मैंने आपकी बात जो है और इसमें ये थोड़ा वजन भी है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो है वो डरी हुई है, नैप से डरी हुई है। अगर पहले तो आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते थे कि जी वो ज़रा थोड़ा रुकावट करते हैं, आज तो बिल्कुल ब्रेकें लगी हुई हैं, तो इसको हमने ठीक करना है। मैं इस पर और कोई नहीं कहूँगा नैप पे कि क्या है, लेकिन इसको ठीक करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें यहाँ मैं आपको जिस पर लेकर ये हमारा पे कमीशन, पे एंड पेंशन कमीशन बन जाता है यार, कितने परसेंट, 15% दे दो, 10% दे दो, ये नहीं यार, हमने हुकूमत को एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बनाना है। एम्प्लॉयर चॉइस सिर्फ तनख्वाहों से नहीं बनता, एनवायरमेंट चेंज करें, पे फॉर परफॉर्मेंस लेके आए, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे, और बिल्कुल काम नहीं करेगा उसको छुट्टी कराएंगे। मैंने ये चार्टर ऑफ इकॉनमी मैंने स्पिन किया था जब अपने वक्तों के बीच में, तो मेरे ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी लोगों से ठीक हैं, क्योंकि मैंने NFC भी कराया था और उस वक्त भी कंसेंसस NFC था। तो ये ज़रूरी है कि हमने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, तो मेरा तो ये जस्तजू होगी कि हम इसमें ये जो टेम्परेचर है इसको नीचे लेके जाएं। मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, वेदर इट इज़ PMLN, पीपल्स पार्टी, बाकी जो क्रिटिकल पार्टीज हैं, कि हम चंद जो हमारी क्रिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर कंसेंसस क्रिएट कर लें।